दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बस पर पोस्टर लगाकर बड़े अरमान से बाराती निकले थे, लेकिन दिलवालों पर आरटीओ ने शिकंजा कस दिया और दुल्हन सड़क पर आ गई। ये तस्वीरें देवास जिले के नागदा की हैं, जहां ससुराल पहुंचने से पहले इस दुल्हन को कई घंटे सड़क किनारे बैठकर गुजारने पड़े। हमारी नई की नई दुल्हन वहाँ बैठी हुई है, रोड पे रोड छाप बन गई वो दुल्हन। ऐसा होता है क्या? अभी वो भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए वहाँ पे। दरअसल ससुराल वालों ने बारात के लिए जिस बस का इंतजाम किया था, उस बस का पंजीकरण नहीं था, जिसकी वजह से आरटीओ ने उन्हें रोक लिया। और इतनी बड़ा रिस्क लेके कि बारात ले जा रहा है उसमें बगैर पंजीयन के, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो किसी को एक नया पैसा नहीं मिलता। इतनी बड़ी वो तो इतना बड़ा अपराध किया उस बस वाले ने कि उसका कोई तोड़ नहीं। बारातियों की मजबूरी ये थी कि बस पर दहेज का सामान लदा था, लिहाजा वो बस छोड़कर जाते भी तो कैसे। खैर, मामला जब काफी देर तक नहीं सुलझा तो दूल्हे की भाभी भड़क गई और वो दंदनाती हुई थाने पहुंच गई। बस के जब्त होने की खबर सुनकर बस मालिक भी थाने पहुंच गया। करीब 5 घंटे तक माथा पच्ची चली, जिसके बाद बारात के जाने का इंतजाम किया गया। देवास से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरविंद चौकसी की रिपोर्ट।